दोस्तों क्या आपने देखा भिलाई सुपेला का ओवरब्रिज जो कि बनाया गया है भिलाई का सबसे लंबा ओवरब्रिज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सूरज के व्लॉग। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी जो है सुपेला के ओवरब्रिज पर जो है चढ़ने वाला हूँ और मैं इसके साथ में जो आपको सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पर जो है बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है नेहरू नगर से चालू होकर जो है सुपेला जो चंद्रा मोरिया पार यह जो है ब्रिज उतरा हुआ है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यह इसकी लंबाई जो है 1567 मीटर है, लगभग 1570 मीटर है लगभग, ठीक है। इसकी लागत की अगर बात करें तो यहाँ पर इसे जो है बनाने में 87 करोड़ 20 लाख रुपए जो है लगा है इस ब्रिज को बनाने में, इस ब्रिज के निर्माण में। लाइट देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगी हुई है अभी से यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। इसे बनाने में जो है 3 साल लगा, इस ब्रिज को बनाने में जो है 3 साल की अवधि यहाँ पर जो है मतलब लगी है। और साथ ही व्यू यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। ब्रिज के इस छोर से अगले छोर जाने तक का जो सफ़र है वह है लगभग 4 मिनट का, मतलब अगर आप एवरेज अगर लेके चले 35 से 40 का तो आपको जो है उस तरफ जाने के लिए जो है 4 मिनट आपको जो है लग जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये चंद्रा मोरिया यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। यह रात का नज़ारा इसलिए आपको कुछ इस प्रकार लग रहा होगा, दिन में बहुत ही ज़बरदस्त आपको नज़ारा यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। यह जो है भिलाई का सबसे लंबा, भिलाई का नहीं बल्कि दुर्ग का सबसे लंबा ब्रिज माना जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घड़ी चौक सुपेला। तो ये देखिए कुछ नज़ारा देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पे घड़ी चौक का, और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया। अगर आप नीचे जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है बना दिया गया है।